युगो युगो से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 27 दिसंबर 2019 दिन शुक्रवार, पौष मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज प्रतिपद तिथि सुबह 10:40 तक रहेगी और उसके पश्चात द्वितीय तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर 12:42 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 12:22 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, आने वाला नववर्ष 2020 आपके लिए और आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए मंगलमय रहे, सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, इस कामना के साथ हम अपने शनि मंदिर में एक यज्ञ का आयोजन कराने जा रहे हैं जो कि 1 जनवरी 2020 को होगा। इस यज्ञ में भागीदार बनने के लिए यदि आप इच्छुक हैं तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और इस यज्ञ में भाग लेकर अपने और अपने परिवार के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। आइए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। यदि पिछले कई दिनों से आपका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था तो आज आप बेहतर महसूस करेंगे और खुद को जोशीला और ऊर्जावान पाएंगे। आज आपको अपने लाइफ पार्टनर पर गर्व करने का मौका मिलेगा क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर आपके दिल की हर बात को समझकर आपको खुश रखने का हर संभव प्रयास करेगा। इन प्रयासों में आपको भी उनका साथ देना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए। आप आज उन्हें कहीं घुमाने बाहर लेकर जाएं, इससे उनको भी लगेगा कि आपको उनका ख्याल है। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। आज टाइम साथ में बिताने से आप दोनों के रिश्ते बेहतर होंगे और आपसी तालमेल और प्यार भी बढ़ेगा। आज आपका रुझान धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ेगा और आज आप अपने घर में यज्ञ हवन का आयोजन कराएं और साधु संतों की सेवा करें और उनकी संगत करें, इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। आज आपको कुंवारी कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करके उनकी सेवा करनी चाहिए और उनको भोजन करवा के उनके जाने से पूर्व उनका आशीर्वाद अवश्य लें, इससे आपको बुद्ध देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज माथे पर हल्दी का तिलक लगाना आपके लिए शुभ होगा। मेष राशि वालों,
अगर आपको अपने बिजनेस में कोई भी परेशानी आ रही है तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय जिसे आज कोई भी युवक या युवती करके जल्द से जल्द मनचाहा जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। आज आप प्रातः काल उठकर पवित्र होकर अपने घर के मंदिर में कृष्ण जी का चित्र स्थापित करें और उसके बाद 108 बार इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। मैं दोबारा आपके लिए इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। यदि आप इस उपाय को लगातार 7 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मनचाहा जीवन साथी जल्द से जल्द प्राप्त होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। मनोज कुमार पांडे। कहाँ रहते हैं आप? मैं वेस्ट की दुबई नगर सरोजी नगर। कहाँ? नई दिल्ली में रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप वैसे? मैं पटना बिहार से। आप गुरु माँ रुक्मणी से मिलने कब आए थे? लगभग 3 महीने पहले। आपको क्या परेशानी थी जो आपको गुरु माँ रुक्मणी से मिलने आना पड़ा? मेरी घरेलू समस्या थी और बहुत हमारे काम धंधे चौपट हो चुके थे, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। तो आप कितने दिन पहले गुरु माँ रुक्मणी से मिलने आए थे? लगभग 3 महीने पहले। तो उन्होंने आपको क्या उपाय बताया? हमारे को कुछ अंगूठियों के बारे में बताया और पूजा पाठ करने का सजेशन दिया और उनके मार्गदर्शन पर चले अंगूठियां धारण किया। कौन सी अंगूठियां दिखाइए? ये हमारे पेट। तो ये अंगूठियां गुरु माँ रुक्मणी जी ने आपको प्रदान की थी। तो कितने दिन आपने अंगूठियां पहनी है कुल मिला के? लगभग 2 महीने। तो 2 महीने पहनने के बाद आपको क्या फायदा हुआ? हमें बहुत फायदा हुआ। आप जो परिवार से दूर थे और हमारे काम धंधा में वो बरकत नहीं हो रही थी। परिवार से दूर होने का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रह रहे थे? जी हाँ। आपकी पत्नी रूट कर चली गई थी? जी हाँ। तो अब आपकी पत्नी कहाँ है? अभी हमारे साथ हैं, बच्चों के साथ। अच्छा, आपके पास वापस आ चुकी हैं। और आपका काम धंधा? काम धंधा भी सुचारू रूप से चलने लग रहा है। तो आप कहना चाहते हैं कि आपको 2 महीने ये अंगूठियां पहनने के बाद आपकी जो भी इच्छा थी, जो भी परेशानी थी, वो पूरी हो गई? हो रही है। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी है, कोई दुख परेशानी है, उन्हें गुरु माँ रुक्मणी जी से आकर के मिलें और अपने दुख दर्द को बताएं और उस उनके कहे रास्ते पे चलें। चलिए, जय शनिदेव। जय। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।